हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आंवला लिए हैं। आप सभी को पता होगा कि आंवला बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है और आयरन होता है। हमारे बालों के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है, और ठंड के मौसम में बहुत ही ईजिली मिलता है ये। तो ये बहुत ही हमारे सर्दी जुकाम हर चीज़ों को ये दूर भगाता है। तो आज मैं अपने किचन में आंवले की चटनी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी आसानी से बन जाती है और आपके खाने के टेस्ट को भी दोगुना कर देगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि चटनी बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ आंवले लिए हैं, आपको जितनी चटनी बनानी है उस हिसाब से आप आंवला ले सकते हैं। और तीखी चटपटी में चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ हरी मिर्ची ले ली हैं, और ये फ्रेश धनिया पत्ता, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैंने ये नींबू लिया है। मैं यहाँ पर काला नमक यूज़ कर रही हूँ, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने जैसे कहा ना कि मैं स्पाइसी बना रही हूँ, तो मैं कुछ ये सूखी लाल मिर्च, और ये है इस तरह का जो पैकेट है ना, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसमें राई, सरसों वगैरह सब कुछ और सौंफ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे ना डायरेक्ट मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। तो मैं इसे एक तड़का लगाऊंगी, जिससे हम चटनी को स्टोर करके रख सकते हैं आसानी से। चलिए सबसे पहले ना मैं आंवलों को काट लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं ना, तो हमें बीजों को निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आंवले को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इसमें बीज होती है, तो इस तरह की बीज है, मैंने उन्हें निकाल के साइड कर लिया है। मैं इसमें ट्विस्ट ये दे रही हूँ कि मैं इसे डायरेक्ट मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ, मैं इसे हल्का सा फ्राई करके पीसूँगी, जिससे कि ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और इसे बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल गरम कर लिया है। जो हमारे सूखे मिर्च है ना, मैं उसे डाल देती हूँ। और जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने ये मसाले, ये मैं डाल देती हूँ। ये हमारी चटनी को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। इसे हल्का सा हरी मिर्ची भी डाल दें। हमारी चटनी बहुत ही स्पाइसी बनकर तैयार होगी। अगर आपको स्पाइसी कितना पसंद है, तो इस हिसाब से मिर्च को डालें। अब हम इसे अपना आंवला डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आंवले जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे हो गए। हमें बस ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे करने से ढक के ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे ठंडा कर लेना है, तो फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दें, आंवले को हम एक साइड में निकाल देंगे, उसे ठंडा कर लेंगे। तब फिर कुछ और छोटे काम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आंवला कसैला होता है, तो इसे अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए मैंने ये गुड़ लिया, इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये इसे हम अपनी चटनी में डालेंगे, और धनिया पत्ती को बारीक काट लें, और इन सब चीज़ों को ना ठंडा करके मिक्सी में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी चटनी को पीस लिया है। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त से चटनी बनकर तैयार हुई, और मैंने इसे पीसते समय थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि थोड़ा सा कसैला होता है ना, इसलिए थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। नमक मतलब थोड़ा तेज़ी रखें। ये देखिए फ्रेंड, हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती चटपटी सी तीखी चटनी बनकर तैयार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा अपना। और आप इस टेस्टी सी, बिल्कुल हेल्दी सी, पौष्टिक सी आंवले की चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप